नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर दही पराठा। और पनीर दही पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा कर तैयार करेंगे। तो यहाँ 1.5 कप मैंने यहाँ आटा लिया है। अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो लगाकर तैयार कर लेंगे। डो हमें सॉफ्ट लगाना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और डो लगाकर तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगकर तैयार हो गया है। अब मैं इस पे 2 छोटी चम्मच तेल डाल दूँगी। तो मैं 2 छोटी चम्मच इस पर तेल डाल देती हूँ और इसे मसल कर और सॉफ्ट कर लेती हूँ। तो आटा हमारा लगकर तैयार हो चुका है। जब तक हमारा आटा तैयार सेट होता है तब तक हम मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आटे को ढककर सेट होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर फ्राई पैन रख दिया है, गैस ऑन कर दी है और बिल्कुल सिम कर दी है। तो यहाँ 2 छोटी चम्मच हम तेल डाल देंगे। अब तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दूँगी और चला लेंगे। जीरा हमारा चटक चुका है तो अब मैं इसमें एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। 2 हरी मिर्च ली है और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट को थोड़ा चला लेंगे। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। प्याज को हमें थोड़ा ब्राउन करना है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल सिम रखा है। प्याज को अच्छे से भुनने दीजिए। तो ये देखिए हमारे प्याज थोड़े ब्राउन हो चुके हैं। तो मैं इसमें 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल दूंगी और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ मैं 1 चम्मच नमक डाल दूंगी और इसे अच्छे से चला लूँगी। तो अब हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर 2 छोटी चम्मच बेसन डाल दूंगी। बेसन से हमारे पराठे के अंदर अच्छी बाइंडिंग आएगी। बेसन को भी हम 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो ये देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं और हमारे बेसन से अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो अब मैं इसके अंदर, यहाँ मैंने एक आलू लिया है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आलू हमारा मीडियम साइज का है तो इसके अंदर मैं आलू डाल दूँगी। कद्दूकस करने से पराठे के अंदर मोटे टुकड़े नहीं आएंगे। और यहाँ मैंने पनीर लिया है, ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। तो पनीर को भी मैंने कद्दूकस कर तैयार कर लिया है। तो मैं पनीर भी इसके अंदर डाल दूंगी और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। वजन में पनीर 100 ग्राम है। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल दूंगी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेती हूँ। इसे ठंडा होने के बाद हम इसके अंदर दही डालेंगे।
तो यहाँ मैंने गैस बंद कर दी है और अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी। तो ये देखिए हमारे पनीर और आलू का मसाला एकदम ठंडा हो चुका है। यहाँ मैंने आधा कप दही लिया है, मैंने इसका पूरा पानी छलनी में डालकर निकाल लिया है, तो मैं इसके अंदर दही डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। तो ये हमारा दही और पनीर मिलकर तैयार हो चुका है, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम डो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा डो भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो मैं इसे थोड़ा सा मसल लूँगी। यहाँ पे मैंने सूखा आटा लिया है हमारे पराठे के लगाने के लिए, और ये घी लिया है पराठे के लगाने के लिए। तो मैं एक लोई तोड़ती हूँ, लोई हमें मीडियम साइज़ की तोड़नी है, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली। लोई बना लेती हूँ। आटे को ढककर एक तरफ रख देंगे और लोई को इस तरह उंगलियों की सहायता से इस तरह गहरा कर लेंगे। तो ये देखिए हमने आटे को कटोरी की तरह कर लिया है, लोई को एकदम कटोरी की तरह कर लिया है। अब हमने जो स्टेपिंग बनाकर तैयार की थी, मैं उस इसके अंदर वो डाल दूंगी। तो हम इसके अंदर 2 चम्मच स्टेपिंग डालेंगे। और इसे अच्छे से दबाते हुए किनारों को ऊपर उठा लेंगे। इस तरह किनारों को ऊपर उठाइए। और इसे दबाते जाइए। तो ये देखिए हमारा पराठा अच्छे से पैक हो चुका है, अच्छे से बंद कर लिया है हमने। एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे और इसे अच्छे से दबा देंगे। इस तरह लोई को अच्छे से दबा दीजिए। अब मैं चॉपिंग बोर्ड पर सूखा आटा डाल लेती हूँ। और सूखे आटे में लोई पर हमने अच्छे से सूखा आटा लगा लिया है। एक तरफ मैंने तवा गरम करने रख दिया है। अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम पराठा बेलकर तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पराठा बेलकर तैयार कर लीजिए। तो ये हमारा पराठा बेलकर एकदम तैयार हो चुका है। ये देखिए इधर हमारा तवा गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम मैंने फुल हाई कर रखा है। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैं तवे पे थोड़ा सा घी लगा दूँगी और अब जो हमने पराठा बनाकर तैयार किया है वो डाल दूँगी। एक तरफ से पराठे को अच्छे से सिकने दीजिए। तो ये देखिए हमारे पराठे पे बबल्स आ चुके हैं। एक तरफ से हमारा पराठा सिक चुका है, तो अब मैं इसे पलट दूँगी। तो इस तरह पलट दीजिए और दूसरी तरफ से भी थोड़े से स्पॉट आने दीजिए, यानी थोड़ा सा सिकने दीजिए, फिर हम इसके घी लगाएंगे। जब तक मैं दूसरा पराठा बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए एक तरफ दूसरी साइड से भी हमारा पराठा सिक चुका है, तो मैं इस पर घी लगा देती हूँ और अब हम इसे पलट देंगे। दूसरी साइड भी घी लगा देंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर रखा है। और ये देखिए, तो ये देखिए दोनों तरफ से हमारा कितना अच्छा पराठा सिक कर तैयार हुआ है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और दूसरा पराठा भी इसी तरह सिक कर तैयार कर लेती हूँ। तो दूसरे पराठे के लिए भी मैंने यहाँ लोई बनाकर तैयार कर ली है। थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और इसे सूखे आटे में इस तरह अच्छे से लोई के ऊपर सूखा आटा लगा लेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे और अब हम इसे बेल कर तैयार करेंगे। ये मैं आपको दूसरी तरह से पराठा बनाना बता रही हूँ। इसे थोड़ा छोटा ही बेलना है हमें और इसके ऊपर भी हम अच्छे से स्टेपिंग लगा देंगे।
किनारों से इस तरह उठाएंगे और उठाते हुए हम इसे अच्छे से बंद कर देंगे, इस तरह बंद कर देंगे। और अब हम इसे अच्छे से दबा देंगे, दबाकर उंगलियों की सहायता से हम इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं, थोड़ा सा पराठे के ऊपर डाल देते हैं। और अब हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलकर तैयार कर लेते हैं। किनारों से बेलिए। तो ये देखिए, ये पराठा भी हमारा बनकर एकदम तैयार हो चुका है। तो मैं इसे भी सेक कर तैयार कर लेती हूँ। तो अब हम इसे भी सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो तवे पे मैंने पराठा डाल दिया है, एक तरफ से इसे सिकने दीजिए, इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। तो हम इसे पलट कर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तो हमारे पराठे पे बबल्स आ चुके हैं, तो मैं इसे पलट दूँगी और पलट कर दूसरी साइड से भी सेक लूँगी। थोड़े से दूसरी साइड से भी सिकने दीजिए, फिर हम इसके घी लगा कर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। और इसी तरह हम हमारे सारे पराठे सेक कर तैयार करेंगे। अब ये दूसरी साइड से भी सिक चुका है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। अब मैं इस पर घी लगाकर इसे दोनों साइड से सेक लूँगी। दोनों साइड अच्छे से घी लगाएंगे और दोनों साइड से अच्छे से सेक कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा ये पराठा भी सिक कर एकदम तैयार हो चुका है। तो मैं इसे भी उतार लूँगी और इसी तरह हम हमारे सारे पराठे सिक कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारे पनीर दही पराठे बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।